25 जनवरी दिन बुधवार को विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जयंती भिलाई शहर में भी धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर राधिका नगर स्थित गणेश मंदिर में भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा अर्चना आयोजकों द्वारा की गई एवं महाभंडारे का आयोजन भी इस अवसर पर किया गया। शायद हम में से बहुत कम लोगों को यह जानकारी है कि भगवान गणेश की जयंती भी मनाई जाती है। 25 जनवरी दिन बुधवार को विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जयंती राधिका नगर में मनाई गई। इस अवसर पर राधिका नगर स्थित भगवान गणेश के मंदिर में स्थापित भगवान गणेश की प्रतिमा की विधिवत पूजा अर्चना की गई एवं फल फूल का भोग भी लगाया गया। इस आयोजन में महिलाओं ने विशेष रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई एवं विघ्नहर्ता भगवान गणेश को अपने श्रद्धा अनुसार फल फूल अर्पित किए। तत्पश्चात सभी लोगों ने मिलकर गणेश जी की आरती उतारी और भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त किया। आयोजकों द्वारा मंदिर प्रांगण में आगंतुकों के लिए विशेष व्यवस्था बनाई गई थी एवं भगवान गणेश के महाप्रसाद के रूप में भोग भंडारे का आयोजन भी किया गया था। इस आयोजन में आसपास के क्षेत्रवासियों सहित दूर दराज से आए भगवान गणेश के भक्तों ने भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त किया एवं महाभंडारे में भोग प्रसाद ग्रहण किया और भगवान गणेश से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आशीर्वाद मांगा। आज गणेश जयंती का प्रोग्राम था और ये जो कल्पना ताई है आगरकर, इनके कारण हमको यहाँ पे आने का मतलब मौका मिलता है। और हनुमान जयंती, राम जन्म सब लोग जानते हैं, लेकिन गणेश जयंती किसी को मतलब बहुत कम लोगों को पता है। और ये इनके कारण हमको भी मतलब हम लोग भी नहीं मनाते थे, लेकिन इनके कारण हम लोग भी 3-4 साल से हर साल आ रहे हैं और यहाँ पे प्रसाद वितरण कर रहे हैं। सर देखने को क्या पूजा में हम खुद सम्मिलित हुए, पूजा किए, हमारा सौभाग्य कि हमें पूजा करने का मौका मिला और हम ये पूजा कई सालों से देखते आ रहे हैं। हमने भी अपनी मनोकामना रखी थी भगवान के पास, हमारी मनोकामना पूरी हुई तो आज हमने पूजा अर्चना खुद अपने हाथों से किए। हाँ, इस मौके पे सबको प्रसाद वितरण किया गया, खिचड़ी का भोग लगा और हजारों की लोग में प्रसाद ग्रहण किए। आज गणेश चतुर्थी है, गणेश जयंती है, आज गणेश भगवान का जन्मदिन है, उनका उत्सव मनाया गया यहाँ और ये हर साल मनाया जाता है। बड़े उल्लास के साथ में मनाते हैं इसे और हमें सहभागी बनने का मौका मिलता है, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बहरहाल गणेश जयंती के अवसर पर पूरा शहर बुधवार को गणपति बप्पा मोरिया के नारों से गुंजायमान होता रहा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।